भिंड जिले में खनिज संपदा के दोहन और खनिज माफियाओं के संरक्षण का मामला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। मामला चाहे अवैध रेत उत्खनन का हो या पत्थर उत्खनन का हो, स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वे नियमों को धत्ता बताते हुए अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। इस नियम के विरुद्ध खनन की भेंट एक युवक चढ़ गया होता अगर समय पर गोहद थाना पुलिस नहीं पहुंचती, जिससे खदान में भरे पानी के बीच फंसे हुए एक युवक को रात में रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई। ऐसा ही हाल जिले के गोहद क्षेत्र में संचालित पत्थर खदानों और क्रेशरों का है, जिनके संचालकों के द्वारा बिना किसी प्रशासनिक भय और डर के नियमों को दरकिनार कर पत्थर खनन किया जा रहा है। न उन्हें स्थानीय प्रशासन का डर है, न NGT के नियमों की चिंता है। गौरतलब है कि गोहद क्षेत्र के डांग पहाड़ और डिरमन पाली क्षेत्र में 2 दर्जन से ज़्यादा पत्थर खदानों की लीज है और पत्थर खनन की अनुमति है, लेकिन संचालकों के द्वारा नियमों को ठेंगा दिखाकर खुदाई की जा रही है, लेकिन इस पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। देखना होगा कि इस मामले के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संबंध में हम पता करवाएंगे और जैसे ही संबंधित व्यक्ति के बारे में पता चला तो उसको हम वैधानिक कार्रवाई के लिए जो सर खदान सर गहरी होती है और अगर कोई बंद कर जाता है तो उसको सर फिर उसके बाद उसको बंद करने का भी पूरा प्लान रहता है सर, उसमें मिट्टी डाल के पूरा बंद करना होता है और उसके बाद ऐसे खुली छोड़ दी। कुछ कार्रवाई होगी सर इस पर? जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।